वाहन में सीसी का क्या मतलब होता है? जब भी हम लोग शोरूम में बाइक या कार लेने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस गाड़ी का इंजन 125 सीसी का या 350 सीसी का या फिर 500 सीसी का। हमें लगता है ज़्यादा सीसी का गाड़ी होगा तो ज़्यादा दमदार और स्पीड चलेगा, और यह सही भी है। चलिए जानते हैं आखिर ये सीसी होता क्या है, आखिर ये सीसी का फंडा क्या है। सीसी का मतलब होता है क्यू कैपेसिटी। गाड़ी के इंजन में एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर का टोटल वॉल्यूम या फिर स्पेस जो होता है उसे ही इंजन का सीसी कहा जाता है। मतलब गाड़ी के इंजन के सिलेंडर के अंदर जितनी भी खाली जगह होती है वही उसका सीसी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीसी वॉल्यूम को मापने की यूनिट होती है। आपने देखा होगा जिस गाड़ी के कम सीसी होता है उसका इंजन सिलेंडर छोटा होता है, जबकि बड़ी गाड़ी जैसे कि रॉयल एनफील्ड ये ज़्यादा सीसी की होती है, इसलिए इसके इंजन का सिलेंडर बड़ा होता है और इसका इंजन भी बड़ा होता है। इसलिए ज़्यादा सीसी वाली गाड़ी ज़्यादा तेज चलती है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस होती है, और कम सीसी वाली गाड़ी कम तेज चलती है इसलिए क्योंकि उसका सिलेंडर छोटा होता है। गाइस वैसे ही कार का सिलेंडर बहुत बड़ा होता है, किसी किसी कार में 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर होता है और उसका सीसी 1200 2000 ऐसे रहता है, इसलिए कार इतना तेज चलती है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।